स्वागत है आपका एजमेंट ऐसे में। आज अपन बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेज वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले सीरीज के पहले ओडीआई मैच के बारे में। तो दोस्तों, इस मैच के लिए कौन होगा हमारे मेगा ग्रेले के लिए ट्रंप प्लेयर, जिससे कि 5 लाख रुपए विन कर सकते हैं। साथ में जानेंगे पिच रिपोर्ट और देखेंगे इस वेन्यू पे किस प्रकार का स्कोर पैटर्न यहाँ पे बनता है। साथ में पेसर को ज्यादा विकेट मिलेंगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में दोस्तों, बहुत से ऐसे नए प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज के जो इस मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन आपको कम दिखेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए वो रखते हैं। किस प्रकार से आपको उन प्लेयर को लेना है, क्या उनके रिकॉर्ड है, रिसेंट रिकॉर्ड क्या है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब चलते हैं पिच की तरफ। भाई मैच खेला जाएगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG, ठीक है, मेलबर्न में खेला जाएगा। यहां देखो आप, ऑस्ट्रेलिया की टीम 355/5, जिसको इंग्लैंड की टीम भाई चेज नहीं कर पाती, 142 रन पे ऑल आउट हो जाती है। 10 विकेट पेसर को मिलता है, 5 विकेट निकाल लेते हैं स्पिनर ने। ऑस्ट्रेलिया 230 पे ऑल आउट होती है, जिसको भारतीय टीम चेज कर रही है। 7 विकेट पेसर को मिले थे, 6 विकेट मिले थे स्पिनर को, वही 6 के 6 विकेट यूजी चहल ने यहाँ पे निकाले थे। तो भाई साहब, फिर से वेस्ट इंडीज के पास भी है एक लेग स्पिनर, आगे बताऊंगा मैं उसको किस प्रकार से वो आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। यहाँ देखो आप, ऑस्ट्रेलिया 304/8, जिसको इंग्लैंड की टीम चेज कर रही है। 10 विकेट पेसर को मिले, 3 विकेट मिले स्पिनर को, भाई जेसन रॉय ने यहाँ पे है ना 180 रन की पारी खेली थी इस गेम में, बहुत तगड़ा गेम था भाई। ऑस्ट्रेलिया 220 पे ऑल आउट, पाकिस्तान की टीम स्कोर को चेज कर रही है। 10 विकेट पेसर को मिले, 3 विकेट मिल रहे स्पिनर। अब स्कोरिंग पैटर्न पे सही से नजर डालोगे ना, तो यहाँ पे जो स्कोर है वो काफी अच्छा बनता है, ठीक है। बीच में एक आध मैच में जरूर कम स्कोर बनाए, बाकी स्कोर अच्छा यहाँ पे बनने वाला है। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले खेलेगी तो और भी बढ़िया बनेगा। बाकी वेस्ट इंडीज में देखो, काफी नए प्लेयर तो हो सकता है, क्योंकि इनके पास भी नए प्लेयर, दोनों साइड आपको नए प्लेयर्स की भरमार दिखने वाली है। तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, आपको ध्यान से एक एक बात समझनी है, एक एक प्लेयर से स्टेट समझने, क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा तो वो समझा तो आपके विन करने की जो गारंटी है वो मेरी, आप 100% विन करोगे जिस तरीके से मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको टीम बनाना है। तो भाई यहाँ पे देखो, पेसर ज्यादा विकेट लेंगे, बाकी स्पिनर भी विकेट लेंगे, ठीक है। स्पिनर कौन से स्पिनर आपको रखने होंगे सब कुछ बताऊंगा। यहाँ देखो आप, ऑस्ट्रेलिया की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाले हैं, मैथ्यू शॉर्ट के साथ ओपन करेगा ट्रेविस हेड, उसके बाद स्टीव स्मिथ, एरोन हार्डी, मार्सल लाबुसाने, जोश सिंगलिस, कैमरून ग्रीन, सैन एबॉट, एक्स पार्टलेट, एडम जंपा और एल मॉरिस आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब भाई टीम ये चेंज कर सकती है कि जेफ फ्रेसर को खिला सकती है, फिर वो एक प्लेयर को बाहर निकालेगी, या फिर विल सदरलैंड। बाकी जो भी चेंज होगा, मैच से रिलेटेड जो भी अपडेट रहने वाली है सब मैं आपको बताने वाला हूँ टेलीग्राम पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप ज्वाइन जरूर करें। ज्वाइन करने का ये फायदा है, देखो नए प्लेयर्स हैं तो उनके बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा, जो भी प्लेयर खेलने वाला है, ठीक है। बाकी किस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन लेकर रखना है वो सब भी मैं आपको बताऊंगा, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ देखो आप, मैथ्यू शॉर्ट भाई कमाल का बिग बैश लिख रहा है इसका, 45-39-74 नॉट आउट, 13 रन 1 विकेट, 19+0, कमाल का खेला। अब चेंज ये हो सकता है इसमें कि भाई मैथ्यू शॉर्ट को जब लास्ट टाइम ओडीआई जो इनके मैच थे उसमें नीचे भेजा गया, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस हिसाब की इसकी फॉर्म में परफॉर्मेंस दी है, शायद इसे ट्रेविस हेड के साथ ओपन ही करवाया जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पिक रह सकता है फिर से आपके लिए ट्रेविस हेड, एक कमाल का प्लेयर है, 62 रन 2 विकेट, 137/35, 31/28, इसके बीच में इसने टेस्ट मैच भी खेले हैं, ठीक है, तो वहां भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ट्रेविस हेड ने, और बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस देता है इस वेन्यू पे, तगड़ा हैंड्रेड कर रखा है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर, आगे बताऊंगा आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड वेन्यू रिकॉर्ड सब कुछ। स्टीव स्मिथ को देखो, 4/52-19/61 और लास्ट मैच में डक पे आउट हुआ है, लेकिन टेस्ट मैच में अच्छा खेल के आए इनके अगेंस्ट, लेकिन ओडीआई में देखते हैं कैसा क्या परफॉर्मेंस कर पाता है। एरोन हार्डी को देखो आप, 22+0, 14+0, 9 रन 1 विकेट, 32+2 विकेट, 6 रन+2 विकेट, भाई पर्थ स्कोचर का कैप्टन था इस सीजन, ये काफी अच्छी बैटिंग बॉलिंग दोनों इसने की थी, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ट्राई कर सकते हो। लाबुसाने 18/58 नॉट आउट, 30/45, मिडिल ऑर्डर की काफी अच्छी बैटिंग करता है ये हमेशा, काफी रुक कर संभल के खेलता है, तो ड्रीम टीम का मेंबर ये ज्यादातर बार बनता है। प्लस फील्डिंग भाई इसकी कमाल की फील्डिंग है, बहुत ही तगड़ा एथलीट है भाई। जोश इंग्लिश को देखो, 26/28, 5/18 और 22/12, भाई जोश इंग्लिश का ये है कि देखो बैटिंग ऑर्डर कौन सा रहेगा, थोड़ा सा किस हिसाब से टीम शायद इसको ऊपर भी भेज सकती है, ये देखना होगा, बाकी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। उधर 6 ओप भी आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं विकेट कीपिंग में। कैमरून ग्रीन को देखो आप, 34/50 नॉट आउट, 8+0, 8/47, भाई इस मैच में आपको बॉलिंग करता हुआ भी नजर आएगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सैन एबॉट 0, उसके बाद 2 विकेट 0-0, लास्ट गेम में 4 विकेट निकाले थे बिग बैश के अंदर, तो भाई इसको देख लेना, कई बार विकेटलेस भी रहता है। एक्स बार्टलेट को मौका मिल गया है भाई, जो तगड़ी परफॉर्मेंस ने दी बिग बैश की,
उसके आधार पे 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, भाई इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकता है। एक्स बार्लेट बहुत ही अच्छे फॉर्म में, तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्लेयर बनेगा। जंपा को देखो, 0 1 विकेट, 0 0 1 विकेट, 1 विकेट, लेकिन जंपा चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आप सब जानते हैं वेस्ट इंडीज की कमजोरी है, वो है स्पिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जंपा बहुत ही अच्छे पॉइंट दे सकता है। सीवीसी की पिक आपके लिए जंपा बन सकता है, क्योंकि कई बार परेशान करता है वेस्ट इंडीज के प्लेयर। आपको पता है एक बार स्पिन में आने लगते हैं ना, तो फिर आउट होते ही जाते हैं। लिंसे मॉरिस को देखो आप, 1 विकेट, 0 1 विकेट, 3 विकेट, लास्ट दोनों गेमों में विकेट लेस है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है। राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी आपको यहाँ पे करके दे सकता है। पूरे 10 ओवर का स्पेल ये डालने वाला है। बात करते हैं इनमें से, जेफ फ्रेशर भाई मैक्सवेल की कॉपी है, 26 42 54 1 14, हालांकि ये बॉलिंग नहीं करता, बैटिंग शानदार करता है। विल सदरलैंड को भी मौका मिला है, 5 रन, 3 विकेट, 11 रन, 1 विकेट, 4 12 नॉट आउट और लास्ट गेम में 10 रन। बात करते हैं देखो, जो ये प्लेयर्स है ना, इनकी भी टीम थोड़ी सी नहीं है। जो ओडीआई मैच है उन पे, उनके अंदर इन्होंने हेड टू हेड भी नहीं खेला है और वेन्यूज पे भी नहीं खेला है, ठीक है। बाकी T20 फॉर्मेट में किसी न किसी मैच में इन्होंने खेला होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर तो इन पिचों पे खेले होंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर है, आगे मैं बताऊंगा आपको, उनमें भी एक आध प्लेयर जो खेल चुका है इस वेन्यू में। एक मैच खेला है जिसमें भाई एक ही रन बनाया, लेकिन वेन्यू पे देखो आप, 4 मैच में 223 रन प्लस 2 विकेट, 152 हाईएस्ट है इसका। यहाँ पे तगड़ी पारी खेली थी भाई इंग्लैंड के अगेंस्ट, इसने 152 रन यहाँ पे बनाए थे, ठीक है। बाकी 152 आप इस पे से निकाल दोगे तो 3 पारी में जो रन बचते हैं इसके, ठीक है, 70 75 रन 70 रन, वो इसने 3 पारी में बनाए। स्टीव स्मिथ 6 मैच में 277 रन 55 की एवरेज है, वेन्यू पे 12 मैचों में 374 रन 37 की एवरेज। भाई स्टीव स्मिथ काफी इंपोर्टेंट पिक नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इस मैच के लिए। बाकी अगेंस्ट इनके जंपा को देखो भाई, 7 मैच में 12 विकेट है, वेन्यू पे भी 3 मैच में 4 विकेट। तो भाई जंपा अच्छी बॉलिंग कर सकता है, इनके अगेंस्ट काफी इंपोर्टेंट बॉलर आपके लिए रह सकता है। बात करते हैं वेस्ट इंडीज की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है, भाई एलिक एथेनेज के साथ ओपनिंग करेगा शे होप, उसके बाद आपको कैसी कार्टी के ओटले रोस्टन चेस रोमारियो सेपर्ट हेल्डन वोस जूनियर गुदकेस मोटी मैथ्यू फोर्ड अल्जारी जोसफ ओसन थॉमस आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये टीम चेंज क्या कर सकती है भाई, के होजे को खिला सकती है एक्स्ट्रा स्पिनर, जे ड्रेस को टीम मौका दे सकती है। बाकी कोर कोई चेंज होने के चांसेस थोड़े से कम नजर आए, इनमें से कोई चेंज होगा अगर चेंज होता है तो, क्योंकि जे ग्रेव्स का जो फॉर्म है बैटिंग में कमाल का चल रहा है। यहाँ देखो आप पहले कैथनोल 22 36 39 66 4 और 45, भाई कमाल की बैटिंग करता है, बहुत ही शानदार प्लेयर है, फॉर्म अच्छा है, इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए बन सकता है, खास करके बैट फर्स्ट में, क्योंकि बैट फर्स्ट में काफी अच्छे स्कोर भी इस ग्राउंड पे बने हैं, तो काफी अच्छा प्लेयर है रहने वाले। इसके अलावा बात करते हैं शे होप, भाई शे होप वैसे तो जनरली इनके जो ओडीआई स्क्वाड है इसमें नंबर 4 पे खेल रहा है, ठीक है, लेकिन अब इनके पास शायद कोई अच्छा ओपनर नहीं है, तो शायद ये ओपन ही करेगा। 26 16 43 नॉट आउट, 9 और 25 नॉट आउट, भाई प्लेयर कमाल का आपको पता है। ये तो ये अभी बांग्लादेश में जो लीग चल रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, वहां पे भी खेल के आ रहा है, अच्छी बैटिंग इसने की थी, नॉट आउट रहा था कई मैचों में, ठीक है, टीम को जिताया था। तो भाई ये प्लेयर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, टीम का कैप्टन है, तगड़ा खेलता है, ठीक है, ओडीआई फॉर्मेट को बहुत अच्छे से खेलता है। आप इसकी देखोगे ना 50 से ऊपर की तो इसकी एवरेज है ओडीआई में, सभी टीमों के अगेंस्ट खूब रन बनाता है, इनके अगेंस्ट भी बनाता है, आगे बताऊंगा मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड में, इसके अच्छे रिकॉर्ड है, शेयर इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। कैसी कार्टी को देखो आप, 32 12 16 0 50, भाई जीएल के लिए आप ट्राई कर सकते हो कैसी कार्टी को, ठीक, काफी रुक कर संभल कर खेलता है, तो ज्यादा बड़ी पारी भी नहीं, तो 40 45 रन की पारी है खेल सकता है, अच्छा प्लेयर। क्या ओटले 52 9 12, उसके बाद 36 और 35, ट्राई कर सकते हो भाई, नया मिडिल ऑर्डर है वैसे तो इनका। रोस्टन चेस भाई अनुभवी प्लेयर है, 48 रन 3 विकेट, 35 प्लस 0 0 12 रन 2 विकेट, 2 रन प्लस 2 विकेट, बैटिंग बॉलिंग दोनों करने वाला है, काफी अच्छी गेंदबाजी करता है और बहुत ही शानदार प्लेयर है, इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रह सकता है। रोमारियो सेबट की बात करते हैं, 34 रन 1 विकेट 1 विकेट 0 3 विकेट 0, हालांकि कुछ मैच में विकेटलेस जरूर आया, साउथ अफ्रीका T20 लीग खेल के आ रहा है रिसेंट में, ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो, अच्छा प्लेयर है। अगेंस्ट द इंग्लैंड काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था इसका, सो इनकी अभी T20 सीरीज रही थी, इससे पहले भी ओडीआई में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया, अच्छे विकेट निकालता है, रन बनाता है, इंपॉर्टेंट पिक बनेगा। अब बात आती है भाई हेल्डन वॉल्स जूनियर, 15 रन 3 विकेट 4 विकेट 21 रन 3 विकेट 57 रन 2 विकेट 20 रन 2 विकेट, अब ये मैं समझना है कि ये और कहीं भी चल के आए, लेकिन तगड़ा प्लेयर है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी इनकी जब सीरीज हुई थी ना पहले ओडीआई की, बहुत तगड़ी बॉलिंग की थी इसने, पंजाबी निकाला हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो काफी इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए फिर से बन सकता है। यहाँ पे यूजी चहल ने फंसाया था, हो सकता है हेल्डन वोस भी
ऑस्ट्रेलिया को फंसा सकता है फिर से, ये टेस्ट की तरह ओडीआई में भी इनको मैच हरा सकते हैं। गुदिकेश मोटी 2 विकेट 0, 1 विकेट 1 विकेट 0, 3 विकेट। भाई गुदिकेश मोटी की शानदार फॉर्म, अच्छा प्लेयर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, दोनों में से एक प्लेयर आपको पिक कर लेना है, बहुत ही अच्छे प्लेयर है, सिलेक्शन आपको कम दिखने वाला है। मैथ्यू बोर्ड की बात करें 52 रन 13 प्लस 3 विकेट 0, 0 13 रन प्लस 2 विकेट। तो भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों के एडवांटेज रहती है इनके स्क्वाड में। जो आपको प्लेयर दिखेंगे ना, तो ओसन थॉमस के अलावा सब थोड़े बहुत रन से कॉन्ट्रीब्यूशन अपना देंगे, ठीक है। काफी मिलजुल कर खेलेगी, एक जीतने इनका काफी अच्छा कॉन्फिडेंस इनका आने वाला है टेस्ट मैच के बाद, ओडीआई सीरीज में भी देखने को मिलेगा आपको, मैच में काफी इंटरेस्टिंग इनका मैच रहेगा। अल्जारी जोसेफ 1 विकेट 0, 3 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 0। भाई जोसेफ या तो विकेट लेगा, नहीं लेगा तो फिर 3 विकेट लेगा, काफी तगड़ा बॉलर है, अच्छी गेंदबाजी करता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी, और वैसे भी इन पिचों पे जो तेज गेंदबाज है वो कमाल की गेंदबाजी कर सकते हैं, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के पिचों पे। ओसन थॉमस 2 विकेट 0, 0 उसके बाद 2 विकेट 1 विकेट ट्राई कर सकते हो, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है। इसके अलावा जेक ग्रेस और के होजे 11 प्लस 0, 34 प्लस 0, 4 रन प्लस 0, 38 रन प्लस 1 विकेट ट्राई कर लेना भाई। इसके अलावा जेक ग्रेस को देखो आप 58, 121, 95, 63, 12 कमाल के आंकड़े हैं। बात करते हैं इन प्लेयर्स के, देखो मेन्यू रिकॉर्ड तो है नहीं, हेड टू हेड रिकॉर्ड देखो आप, शे ऑफ को देखो 3 मैचों में 120 रन 40 की एवरेज, तो शे ऑफ अच्छा खेलता है इनके अगेंस्ट। बाकी अल्जारी जोसेफ भी 3 मैच में 6 विकेट निकाल रखे इनके अगेंस्ट। हेल्डन वॉस जूनियर ने देखो 3 मैचों में 7 विकेट अगेंस्ट, तो काफी अच्छा बॉलर है भाई, इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए बन सकता है, सिलेक्शन आपको कम दिखेगा लेकिन अच्छा बॉलर है, अच्छे विकेट निकालता है। ओसन थॉमस के भी 1 मैच में 2 विकेट है, तो ट्राई कर सकते हो। देखो पहले जो टीम बॉलिंग करेगी ना, तो जो सामने वाली टीम के बॉलर हैं उनको विकेट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि विकेट गिरेंगे नहीं, विकेट गिरेंगे, हालांकि रन भी बनेंगे लेकिन विकेट भी गिरेंगे, ठीक है। यहाँ देखो आप मेगा ग्रैंड लीग के लिए जो बेहतरीन पिक आपके लिए इस गेम में बन सकते हैं भाई, इन प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज जरूर आपको कम दिखेगा लेकिन आपको पता है हर मैच की ड्रीम टीम में ये प्लेयर्स आते ही आते हैं, तो इन प्लेयर्स को आपको सही से किस प्रकार से लेना है, सीवीसी किसे रखना है, प्लेयर्स को रोटेट किस प्रकार करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसे आपको ये ट्रंप प्लेयर लगते हैं, क्योंकि हर मैच में मैं आपको यहां से ट्रंप प्लेयर देता हूं, हर मैच में वो पिक होता है, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो किसी मैच की, ठीक है। एक आध मैच छोड़ दो, जैसे 100 में से 90% मैच में ये एकदम से ट्रंप पिक आपको मैं पिक करवाऊंगा लोअर सिलेक्शन, साथ में यही नहीं कि ये बताता हूं, इनको बताता हूं किस प्रकार से आपको लेना चाहिए, कहां से रिस्क लेना चाहिए, सीवीसी किसे रखना चाहिए, सब कुछ बताता हूं। यहां देखो आप मैथ्यू फोर्ड, हेल्डन वॉस, गुदिकेश मोटी और केसी कार्डे वेस्ट इंडीज की तरफ से, जिनको लोग काफी कम लेकर जा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लिंसी मॉरिस और एक्स बार्ले। अरे भाई ऑस्ट्रेलिया टीम पहले गेंदबाजी कर जाए तो आप इन दोनों बॉलर्स के साथ जा सकते हो, या फिर एक बॉलर इनमें से रख सकते हो, अच्छे बॉलर दोनों के दो, ठीक है, तो विकेट निकलेंगे वेस्ट इंडीज के भी। बाकी वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ आप देख लो भाई, अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो आपके लिए भाई केसी कार्टी इंपॉर्टेंट पिक बन सकता है। बाकी अब इन दो तीनों प्लेयर्स में एक चीज है कि ये थोड़े बहुत रन हमेशा बनाते हैं, तो हो सकता है यहां से आपको दो प्लेयर मिल जाए, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, तीनों ही प्लेयर बहुत ही शानदार ऑलराउंडर, खासकर ये बॉल फर्स्ट में आप मैथ्यू फोर्ड को यूज करना, सेकंड में आप इन दोनों स्पिनर्स को यूज करना, तो काफी अच्छे आपके लिए ये पिक बनेंगे। यहां से आपको दो या तीन प्लेयर, भाई तीन प्लेयर मुझे नजर आ रहे हैं, जहां वेस्ट इंडीज के दो प्लेयर एक प्लेयर आपको ऑस्ट्रेलिया का मिल जाएगा आसानी से, यहां से आपको मिलने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको लेकर चलना है टीम में। अब सीवीसी किस प्रकार रखना है, यहां देखो आप भाई शे ऑफ को लिया है दोनों जगह, साथ में एक बार लिया है जोस इंग्लिश को, ठीक है, ट्रेविस हेड, लाबुसा ने कैसी काटे, इसके अलावा स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड और एथेनॉल, इसके अलावा रोमारियो सेफर्ट, एरोन हार्डी, मैथ्यू शॉट, यहां पर मैंने इन पे रिस्क लिया है, जंपा, अल्जारी जोसेफ, हेल्डन वॉस, एक्स बार्लेट, जंपा, एल मॉरिस, एक्स बार्लेट, अल्जारी जोसेफ और हेल्डन वॉस, भाई डिफरेंशियल मैंने टीम बनाई है। देखो अभी टीमों में चेंजेस हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि तो पहला मैच है, टीम किस हिसाब का बैटिंग ऑर्डर रखेगी, क्या चेंजेस करेगी, तो वो चीज भी अपन को देखनी पड़ेगी उस हिसाब से, इसलिए बोल रहा हूँ आपको टेलीग्राम पे जुड़े, जहां आपको एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन टॉस आने के बाद दिया जाएगा जीएल के लिए, ठीक है। बाकी यहां मैं बात करूं तो जो मैंने आपको लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर बताया आपको उनको ट्राई करना है, ठीक है। भाई कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो भाई ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ बहुत ही अच्छे आपके लिए ऑप्शन रहने वाले हैं, ठीक है, बैटिंग से, और बॉलिंग से आप ट्राई कर सकते हो जंपा और बॉल फर्स्ट में एक्स बार्लेट को आप ट्राई कर सकते हो, लिंसी मॉरिस भाई अच्छे अच्छे विकेट निकालता है जब विकेट निकालने पे आता है, ठीक है। बाकी इनकी तरफ से बात करें तो भाई शे ऑफ, बैटिंग से बात करोगे तो शे ऑफ तगड़ा प्लेयर है, बड़ी पारी खेलने के लिए मायर प्लेयर है, ठीक है। इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हो इनकी तरफ से वीसी के लिए अल्जारी जोसेफ या हेल्डन वॉस जूनियर को आप इनकी तरफ से ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद।